बांग्लादेश की एक युवती को शादी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेलने का मामला सामने आया है। पीड़िता दिल्ली से लेकर पानीपत तक दर्जनों लोगों को बेच गई। 2 महीने के अंदर दर्जनों लोगों ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। आखिर में युवती किसी तरह से जिस्म के सौदागरों से बचती बचाती पुलिस तक पहुंच गई। पीड़ित युवती ने अपनी आपबीती पुलिस को बताई और उसे वापस बांग्लादेश भेजने की गुहार पुलिस को लगाई है। ये सर हमारे पास जो है 4-5 की रात को 100 नंबर से हमारे पास से कॉल आई थी कि एक न्यू भगत नगर में जो है एक लड़की मिली है। तो हम इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, हमने लड़की को बरामद किया और लड़की से बातचीत की। तो लड़की ने जो बताया कि मैं बांग्लादेश की रहने वाली हूँ और करीब 3 महीने पहले जो है बांग्लादेश से एक मेरा बॉयफ्रेंड था संदीप नाम का लड़का, वो मुझे शादी करने के लिए लेके आया था दिल्ली में। फिर उसने मुझे 3-4 दिन तक रखा। उसके बाद मुझे जो है राहुल नाम के लड़के के पास मुझे छोड़ दिया। राहुल और उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा रहता था उस घर में, तो राहुल के पास उसने मुझे छोड़ दिया। राहुल जो है डेली मुझे गलत काम के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली भी मुझे भेजता था कहीं कहीं, और मुझे ये तो नहीं पता वो मुझे कहाँ भेजता था। उसके बाद वो बता रही थी कि जी मैं जो है 4 तारीख को करीब 4 बजे शाम को मैं यहाँ पानीपत बस स्टैंड पे आई हूँ और मुझे एक अजय और मनु नाम का लड़का जो है मुझे लेके आए हैं और अजय के घर पे मेरे को लेके गए थे। अजय ने जो है मेरे साथ गलत काम किया और जो मनु था वो उसकी सपोर्ट में बाहर खड़ा हुआ था। तो मैं उनसे बाथरूम का बहाना लेके मैं वहाँ से भाग गई और एक आंटी से मैंने जो है ये बात बताई कि मुझे जो है यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। जो बच्ची की इस एप्लीकेशन लेके हमने रिटर्न में बच्ची से, तो उस पर हमने FIR लॉन्च कर दिया और उसमें हमने 370 AIPC, 376 और 506 और 6 पॉक्सो में केस रजिस्टर कर दिया है, जिसमें मनु और अजय अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी आरोपियों की भी तलाश है। इसमें हम जल्दी से जल्दी करेंगे कि ये ट्रेस आउट हो बाकी भी जो भी इन्वॉल्व है इस केस में। हाँ बिल्कुल, ये गिरोही है। जब 2 बंदे ही आके हैं और बच्ची भी खुद नाम जानती है कि एक वो राहुल बता रही है, एक वो जहाँ राहुल लेके आया है वो आगे संदीप बता रहा है, तो पूरा गिरोह मिलेगा। लेकिन हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द से जल्द मैं जो है इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उनको अरेस्ट कर लूंगा। हिंद एक्सप्रेस के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।